पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सचान को एक दो नहीं, चार छह दस भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए, कब चलेगा उनके प्लॉट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया। माँ बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर चला चला। लेकिन आपका खुद का मंत्री, जिसके 72 प्लाट का मामला सामने आया है, आपका बुलडोजर कहाँ छिपा हुआ है बाबा जी? कब चलेगा आपका बुलडोजर उस मंत्री के ऊपर? और मैं पूछना चाहता हूँ वीर बहादुर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सीबीआई तो 24 घंटे काम करती है, ईडी 24 घंटे काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपने 24 घंटे विपक्ष के नेताओं का गर्दन दबाने पे लगा रखा है। मोदी जी, कहाँ है आपकी सीबीआई, कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आपसे। योगी के मंत्री राकेश सचान और मोदी पर करारा हमला। सांसद संजय सिंह ने पूछा कि कहाँ है बाबा जी का बुलडोजर और कहाँ है मोदी जी की सीबीआई। जी हाँ, आपको बता दे कि संजय सिंह ने योगी, मोदी और योगी के मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से जाने वाले योगी के मंत्री का कारनामा सामने आया है। उन्होंने राकेश सचान पर आरोप लगाते हुए कहा, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एक दो नहीं बल्कि 72 प्लॉट आवंटित हुए हैं, और ये 72 प्लॉट आवंटित होने का खबर आने के बाद भी चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है। उन्होंने कहा कि इतने होने के बाद भी कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। उन्होंने योगी से पूछा कि आप बताएं कि कब चलेगा उनके ऊपर बुलडोजर। उन्होंने कानपुर देहात में एक गरीब परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाने का मामला भी उठाया। साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार पर माँ बेटी का हत्या करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने मोदी को भी टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि कहाँ है मोदी जी की सीबीआई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है क्या? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक मोदी जी से यह जानना चाहता है। आइए सुनते हैं कि संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है। जैन साथियों, बाबा बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया। मैं बात कर रहा हूं राकेश सचान। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सचान को एक दो नहीं, चार छह दस भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए, कब चलेगा उनके प्लाट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया। माँ बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर चला चला के। लेकिन आपका खुद का मंत्री, जिसके 72 प्लाट का मामला सामने आया है, आपका बुलडोजर कहां छिपा हुआ है बाबा? कब चलेगा आपका बुलडोजर उस मंत्री के ऊपर? कब आप उस कैबिनेट मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं वीर बहादुर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सीबीआई तो 24 घंटे काम करती है, ईडी 24 घंटे काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपने 24 घंटे विपक्ष के नेताओं का गर्दन दबाने पे लगा रखा है। मोदी जी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आपसे पूछ रहा है, एक एक नौजवान, एक एक किसान आपसे पूछ रहा है, जिसकी फसल पे आप लोग बुलडोजर चलवाते हैं, वो सारे लोग आपसे सवाल कर रहे हैं।
पूरा देश आपके चाल चरित्र और चेहरे को देख रहा है। आपका कैबिनेट मंत्री 72 प्लाट के। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।